तब देखो ना तुम का छा ये गाँव को पहुँचो ग्राम सभा किबर्स में अलग से किबर्स में किबर्स में को गाँव नहीं ग्राम सभा में बंगर गाँव क्यों कमल गाँव अच्छा क्यों अच्छा हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ किबर्स, तो चलो चलते हैं। तो जो किबर्स वाला रास्ता है वो टेका से होता हुआ जाता है। तो दोस्तों कंडोले में मुझे कमल भाई भी मिलेंगे, तो उसके बाद हम उनके साथ जाएंगे आगे। जो किबर्स है वो पौड़ी से अराउंड 10 किलोमीटर की दूरी में होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँच गया कंडोलिया। तो मैं यहाँ आगे पे कमल भाई का वेट करूँगा। इस साइड दोस्तों पूरा कोहरा लग रखा है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैं आपको लल्ली लेके गया था, तो उस साइड है लल्ली। तो यहाँ पर अभी पूरा कोहरा लगा हुआ है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ किबर्स। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों हमको यहाँ पर कमल भाई ने ज्वाइन कर लिया। तो चलो अब चलते हैं आगे। फाइनली पहुंच चुके हम कीपर गाँव। रोड तो ऐसे लग रही है, इस साइड तो बिल्कुल ऑफ रोड हो रखा है, पूरा ऑफ रोड ही है, ऐसे लग रही है रास्ता ही होगा गाँव का। वो कैंपिंग वाला किधर पे? कैंपिंग तो वहाँ पे ऊपर पे है, यहाँ पे ऊपर पे। क्या करूँ वहाँ बैठे जाके? हाँ चलो उधर चलते हैं। हाँ तो धूप भी अच्छी आ रखी है, मतलब बहुत ही मस्त। काफ़ी दिन से बारिश चल रही थी, वैसे बरसात का मौसम नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ज़्यादा बारिश आ रही है आजकल। रुकनी चाहिए बारिश। कमल भाई से जानते हैं। कमल भाई इस गांव के बारे में कुछ बताओ। ये पता है कि किबर्स मतलब काफ़ी बार आ चुके हैं हम किबर्स वैसे, और पौड़ी से शायद 7 या 8 किलोमीटर पड़ता है, काफ़ी बड़ा गांव है। हाँ। आधा तो ये इस साइड है, इस साइड पे। हाँ, ये मैंने फ्रंट फेस इसका। अच्छा। बैक फेस पीछे मैंने, मतलब ये फ्रंट हो गया इसका पूरा। ठीक। और वहाँ पीछे साइड इसका इतने ज्यादा मैंने जो घर है हाँ, पीछे साइड बैक साइड है। अच्छा। और यहाँ से बुआ खाल का ये, यहाँ से बुआ खाल का पैदल रास्ता भी था पुराना। ठीक ठीक ठीक। इधर से ही है, कुछ जंगल से होकर जाते हैं। अगर कोई पैदल जाएगा तो मैंने 1 घंटा लगेगा शायद। हम पहले आए, काफी पहले आए थे, 9-10 साल पहले। नहीं नहीं ना। अच्छा तब देखो ना तुम का गाँव को पहुँचो ग्राम सभा किबर्स में अलग से किबर्स में आंदा किबर्स में को गाँव नहीं ग्राम सभा में बंगर गाँव। अच्छा बंगर गाँव क्यों कहल गाँव। अच्छा किबर्स 3 गाँव। ठीक। अब हाँ सही हो गया मौसम उन तक बरखा आनी चाहिए। हमारे काफी बरखा पौड़ी में तो मौसम खराब हुई चुन भी हाँ बहुत ज्यादा मैंने बादल लगे पूरा नहीं सही हुई मौसम साफ हो 5 बजे हाँ लेकिन बादल एक छीटी बादल नहीं है। अच्छा चांद जल्दी बिल्कुल लेकिन अब तो कान से गाम लगल तो कामकाज भी वही चल ना हां कामकाज हो जाना बर बर खाना वाली ये सर गए का नसन गटी एक देखा दिखे ना मुदा छेड़ी खानी आराम करी एक साची ऊबरी पूण आन ऊबरी गर्दन गणा और घा सड़ गया पूण मसर के बरस कौन का छा के बरसा का के बरसा ना। अच्छा तुम बोला हम ते ना सीको गंडा जाना लड़का पौड़ी बटे उन्हें घूमना यहाँ से ना। अच्छा अच्छा हाँ नहीं हूँ चाहे बार कभी जानो कभी कभी गाँव लग जानो हाँ थोड़ा ठीक है बार गाँव वाले में लूँगा। कब हम आ चुके हैं कि बस दोबारा से वापस। हेलो अंकी भाई बढ़िया तेरे फोन करना चम्मी फोन करनी चाहिए का नंबर दे हैं का नंबर देनी एक नंबर होगा। हाँ हेलो दीपू बढ़िया क्यों हो जाए और भाई बाइक चुता और क्यों होना ये ना ही घूमना था मिलो आज ही ना चल दे यार थोड़ा मौसम सही हो जो पर बरखान वाल जब दोबारा हैं लेट होने यार अब मौसम भी नहीं गौरम था लेट होने जब ये ना काम हो निकल तो गौर है ना सोचो सीधा शाम हो जाना। अच्छा बात वो सब बैग में रख दे बात बहुत हाँ सही बनी जाता ये काम भी खुलल मत बंद हो गया बंद ना छोड़ यार के काम तब दिक्कत है ना जो एक बार उल्टा इंस्टाग्राम हुई ना को लड़का को जो वीडियो है क्या कि बने हाँ मेरे भी जा हाँ और कमजोर के लिए हुई तो दूर बड़े दूर दूर बड़े सही लगने जाए तो तुम सामने बड़े कमजोर लगने जाए। अच्छा उठाना कपड़े हम ही चैन होते थे ना है एफसी सहारनपुर हाँ 10 दिनों को गई जो मैं डाउन हो गया क्या डाउन हो गया चार लगाए थोड़ा 10 मिनट। हेलो है हाँ ते गोरख में जना अच्छा फिर बैठते हैं थोड़ी देर बैठे 5-10 मिनट आ जाओ यहीं पे ले आओ भाई मैं पकड़ूंगा हाँ थोड़ी देर कर दो हाँ क्या दगड़े जा रहे बोर्ड आलोक उन कदा फैमिली होली हमने पूरा गाँव में 250 फैमिली हर लोग कदा वाला टोटल जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन है फिर पौड़ी चल गई नहीं पलायन होगा गाँव बटे हैं जल्दी मिल जाता है ना बस हमारे यहाँ से ना तो माना था मैं वहाँ दिखाऊंगा तो मैं सेब का बगीचा एक नया है मतलब ये हिमाचल वाले ना हमारे हिमाचल में रहते हैं तो उन्होंने हमारे सेब का बगीचा खोल रखा अपना तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ब्रीड लग रखी है वहाँ पे तो मैंने उनका जो हाँ उनका जो एक्सपोर्ट होता है भारी होता है एक्सपोर्ट हो तो वहाँ पर घुमा देंगे तुम्हें तब। सो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं टेका जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अभी कुछ देर पहले। सो गाइज आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है दोबारा से और पौड़ी यहाँ से है 5 किलोमीटर। सो गाइज हम पहुँच चुके हैं छतरीधार और यहाँ से हम जाएंगे स्टेशन पौड़ी बस स्टेशन और यहाँ से जो पौड़ी का नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह से थोड़ा मौसम ख़राब था सो साफ दिखाई नहीं दिया अभी तो काफ़ी क्लियर है। वैसे आजकल मौसम कब कुछ पता नहीं चल पा रहा है कभी ख़राब हो जाता है एकदम से मतलब बादल आ जाते हैं और कभी बारिश होने लगती। अगर आप पौड़ी से हैं या फिर आप हिल स्टेशन पसंद करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऑल्सो सब्सक्राइब आलोक सिंह रावत। वैसा मैं बता दूं माय नेम इज़ कमल और मेरा भी एक चैनल है, जल्दी उसमें वीडियो आने वाली है। कुछ टाइम लग रहा है, थोड़ा सेटअप रेडी हो रहा है, उसके बाद डेली वीडियो आएंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद आलोक सिंह रावत। तो यहाँ से पौड़ी का मेन मार्केट स्टार्ट हो जाता है और आगे ये रोड केदारनाथ बद्रीनाथ को जाता है। आप ही बोर्ड देख लीजिएगा। सो दगड़ियों, अब हम पहुँच गए हैं धारा रोड मार्केट, पौड़ी का सबसे मेन मार्केट, जहाँ के सब सामान मिलता है।